हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा गणपति जी विराजे हैं मेरे घर में और हमने अपने घर में गणपति जी की स्थापना की है, तो उसके लिए मैंने प्रसाद बनाया है केसर कोकोनट मोदक। और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है 2 बड़े चम्मच, उसमें डाल देंगे केसर के कुछ धागे। और इससे उतना अच्छा कलर तो नहीं आता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मैंने 1 पिंच यहाँ पे फूड कलर डाल दिया है, येलो कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो बिल्कुल भी मत डालिए। और ये एक पाउडर है, बादाम पाउडर, आपको किसी भी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा ये। और अगर नहीं मिलता है तो आप इसको स्किप कर दें और इसकी जगह मिल्क पाउडर ले लें। इसको मैंने पानी में घोल लिया है और उसका एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और किशमिश, आप चाहें तो यहाँ पे बादाम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच घी में मैं डालकर इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, मतलब हल्का सा फ्राई कर लूँगी। काजू को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और उसके बाद ही मैंने इसको फ्राई किया है। तो इस तरीके से करके मैंने इसको फ्राई कर लिया है, जलाना नहीं है, हल्का सा बस फ्राई करना है जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खोया लिया है, घर का बनाया हुआ खोया है, 2 बड़े चम्मच यहाँ पर खोए का हम यूज़ करने वाले हैं। और इस खोए को थोड़ा सा मैं इस कढ़ाई में बस हल्का सा भून लूँगी जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और उसी कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया है खोए को। अब हम अच्छे से इसको फ्राई कर चुके हैं तो इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा होने के बाद ये हम डाल देते हैं प्लेट में, जिसमें किशमिश और काजू जिसको हमने फ्राई किया हुआ था, किशमिश को तो फ्राई नहीं किया है, बस उसको बारीक बारीक कट कर लिया था, खोए को डालकर अच्छे से हम काजू और किशमिश में बिल्कुल मिक्स कर देंगे। और हल्का सा ये अभी गुनगुना है तो इसमें अभी हम चीनी नहीं डालेंगे, चीनी का पाउडर बाद में डालेंगे जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी लिया है और उसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप। और अब हम अच्छे से इसे भून लेंगे, इसमें से एक बहुत ही अच्छा अरोमा आने लग जाएगा। डेसिकेटेड कोकोनट आपको किसी भी स्टोर में आराम से मिल जाएगा, और अगर ना मिले तो आप फ्रेश नारियल को भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसे क्रश करके बारीक कद्दूकस करके आप उसको यूज़ करें। ये जो नारियल का पाउडर है उसका कलर चेंज हो चुका है, तब मैंने उसमें डाल दिया है वो मिक्सचर जो हमने तैयार किया था बादाम के पाउडर से और केसर से। तो अब देखिए इस नारियल के पाउडर का कलर बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया है और वो येलो कलर में आ चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क यहाँ पे हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच, जिससे कि जब हम इसके लड्डू बनाएंगे बहुत ही अच्छी इसमें एक बाइंडिंग आएगी। तो बाइंडिंग एजेंट के लिए हमको इसमें कंडेंस मिल्क डालना है। और अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा दूध डाल दें तो उससे भी जो ये नारियल है उसकी बाइंडिंग होने लग जाएगी। तो देखिए इस तरीके से भूनते भूनते ये बिल्कुल इस अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये लड्डू बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमने ठंडा होने के लिए उसको छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो हमने खोए काजू और किशमिश का जो मिक्सचर तैयार किया था उसमें चीनी डाल दिया है 2 चम्मच के बराबर, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मिक्सचर भी तैयार है और जो हमने नारियल डेसिकेटेड कोकोनट से जो मिक्सचर तैयार किया है वो भी तैयार ठंडा हो चुका है। तो अब हम एक मोल्ड ले लेंगे जिससे कि मोदक बनाया जाता है और ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो इसमें पहले हमने कोकोनट के मिक्सचर को डाला है, उसके बाद उसमें एक हल्का सा होल किया है, और उसके बाद जो हमने स्टफिंग के लिए तैयार किया था खोए का मिक्सचर उसको बीच में फिल कर दिया है। और अच्छे से इसको हम प्रेस करके बिल्कुल दबा देंगे, सेट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल मोल्ड के शेप ले ले और बढ़िया सा हमारा एक मोदक बनकर तैयार हो जाए। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर से हमने पहले डेसिकेटेड कोकोनट से जो मिक्सचर तैयार किया उसको डाला, फिर एक होल किया बीच में, और उसके बाद उसमें स्टफिंग की, और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे हर तरफ से ताकि बढ़िया सा एक मोदक का शेप ले ले। ये देखिए इस तरीके से ये निकल कर तैयार हो जाता है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मोदक बनकर तैयार हो जाता है, और भगवान गणेश के लिए जो हमने मोदक बनाए हैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी से बनकर घर में तैयार हो जाता है बिना किसी झंझट के।
तो अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तब भी आप आराम से बना सकते हैं। आप उसको गोल गोल शेप देकर लड्डू बना लें और उससे भी बहुत बढ़िया ये लड्डू बन जाते हैं, स्टफ्ड लड्डू बन जाएंगे। और आपको तोड़कर दिखाती हूँ, एक मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और इसके अंदर खोया का जो हमने स्टफिंग बनाया था वो भी बहुत अच्छे से फिल हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए, बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में आराम से ऐसे मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस गणपति ज़रूर बनाइए अपने घर में ये मोदक और भगवान गणेश को ज़रूर चढ़ाइए। ये देखिए, बहुत ही आराम से और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर से मिलती हूँ एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।